तो हेलो दोस्तों, आज हम आपको समझाएंगे कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है। आपको ज़िंदगी में कभी भी आइडियल गैस इक्वेशन हम भूलने ही नहीं देंगे। सिर्फ आप एक काम करना, ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो शुरू करें आज का ये वीडियो, तो शुरू कर रहे हैं। तो हेडिंग डाल दो आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन के लिए कुछ लॉ एक्सपोर्ट करते हैं, वो लॉ हम आपको पहले समझाएंगे। आइडियल गैस इक्वेशन हेडिंग डाल दो। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है आपको पता होगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये होता है आइडियल गैस इक्वेशन। हम आपको इस लॉ तक ले जाएंगे। तो सबसे पहले ये इसके लिए कौन सा लॉ इम्पोर्टेंट है, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, कुछ लोगों ने अपने मन में तो बॉयल्स लॉ बना ही लिया होगा कि हम बॉयज़ ने मिलकर जो लॉ बनाया उसको बॉयल्स लॉ बोलते हैं। अरे नहीं भाई नहीं, बॉयल्स लॉ देखो क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयज़ नहीं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, वॉल्यूम इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो ऐसे समय में वॉल्यूम इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर को। यानी कि क्या, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर कम हो जाएगा, ये बोलता है बॉयल्स लॉ। वैसे चार्ल्स लॉ क्या बोलता है देखो ज़रा, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ बोलता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ेगा, मगर यहाँ कांस्टेंट होगा एट कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो अब देखेंगे एक लॉ है, अवोगाड्रोज हाइपोथेसिस। अब देखो अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रो हाइपोथेसिस, ये अवोगाड्रोज हाइपोथेसिस क्या बोलता है भाई, अब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स को। यानी कि जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उस कंटेनर में उतना वॉल्यूम ज़्यादा होगा। यहाँ एट कांस्टेंट दोनों कांस्टेंट होते हैं, यहाँ प्रेशर और टेम्परेचर। तो यहाँ तक समझ में आया, तो यानी कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन नंबर ऑफ मोल्स। तो इसे इक्वेशन नंबर वन दो, इसे इक्वेशन नंबर टू दो और इसे इक्वेशन नंबर थ्री दो। अब देखो यहाँ तीनों इक्वेशन में आपको एक साइड में वॉल्यूम 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 दिखाई दे रहा होगा। जैसे इसका भी दुश्मन वॉल्यूम है, इसका भी दुश्मन वॉल्यूम है और इसका भी दुश्मन वॉल्यूम है। यानी कि तीनों साइड एक साथ लेके इन साइड को मल्टीपल में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। कैसे लिख सकते हैं देखो ज़रा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पहले है प्रेशर, दूसरी बार है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है टेम्परेचर, और तीसरी बार है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी हटा के उसकी जगह कोई कांस्टेंट लगा दो, ये फिजिक्स का लॉ बोलता है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, मैंने कांस्टेंट क्या डाला, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। तो गैस के बारे में जो आइडियल जो गैस के बारे में कांस्टेंट बोलता है, गैस का कांस्टेंट लगा देते हैं। क्या है गैस का कांस्टेंट, तो ये है आर, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और एन टी एज इट इज, टी एज इट इज़, और पी नीचे का पी एज इट इज़। तो यह नीचे का पी इस तरफ भेज दो, तो पी वी इज इक्वल टू स्मॉल लेटर पहले लिख लो एन आर टी, तो आपके मुकाम तक पहुंच गए हैं। तो प्रेशर पी वी यानी कि प्रेशर, वी यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू एन यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, आर यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी यानी कि टेम्परेचर। तो ये हो गया भाई आपका आइडियल गैस इक्वेशन। तो इसका यूनिट्स भी एक बार याद कर लो, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है यूनिट्स ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, वो होता है भाई जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये है इसका यूनिट्स। तो आइडियल गैस आपको समझ में आया ही होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, वॉल्यूम इज़ यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ऐसे बोलता है बॉयल्स लॉ।
वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ऐसा बोलता है चार्ल्स लॉ। और अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस क्या बोलता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। इन तीनों इक्वेशन के जोड़ के हमने ऐसा बनाया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी हटा के उसकी जगह गैस कॉन्स्टेंट डाल दिया आर, और पी वी इस तरफ भेज दिया, आपका इक्वेशन आ गया पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। और इसका एक यूनिट्स ऐसा यूनिट्स याद रख लो, बस आइडियल गैस आपका तैयार हो गया। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ आया होगा, समझ आया हो तो ही इसे लाइक कर देना, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियो अपलोड करते रहते हैं इस चैनल पे हम, वो वीडियो आपको जल्दी से मिले। तो ये वीडियो यहाँ करते हैं ख़त्म, तब तक के लिए फेरी ऑल द बेस्ट।